कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भागवत में वर्णन आया कुछ चार पांच उपाधियां लिखी भगवान कृष्ण के सखा, भगवान श्री कृष्ण का एक प्रिय मित्र कौन? ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, पर केवल ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाला है कोई, जो ब्रह्म को जानता, जिसने ब्रह्म को जान लिया, जो ब्रह्म का उपासक है, जिसने ये ब्रह्म को समझ लिया, वह ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा है, उसने ब्रह्म को समझ लिया। अच्छा, और इतना ही नहीं, ब्रह्म को समझने वाला वो ब्राह्मण साधारण नहीं, विरक्त, विरक्त हो गया, किसी से राग नहीं है, भगवान से अनुराग हो गया, और जिसे भगवान से अनुराग हो जाता है उसे पर दुनिया से राग नहीं रहता है। तो विरक्त, अच्छा विरक्त कैसा? इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया, प्रशांतात्मा जिते इंद्रिया, प्रसन्न आत्मा, सदा प्रसन्न रहता, मुस्कान सदा रहती, आंखों से झरझर आंसू बहते रहते, लेकिन प्रसन्न रहता, जितेंद्रिय हो गया, इंद्रियों को भी जीत लिया। बोले वो कौन है? बोले इतने लक्षण तो किसी में भागवत में नहीं है, इतने लक्षण तो भगवान के प्रिय सखा सुदामा जी महाराज में ही है। बोलो सुदामा जी महाराज की। पर सुदामा जी बड़े प्यारे, बड़े ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले, आंखों से आंसू बहते रहते, मुख से निकलता रहता श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, रोते रहते हैं। अच्छा, इनकी जो धर्म पत्नी है वो भी कम क्या है, उनका नाम क्या है? बोले देखो इनका नाम सुदामा, इनमें इतने लक्षण तो पत्नी भी कम नहीं, सुशीला। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, बड़ी सुशील, स्वभाव भी सुशील, चरित्र भी सुशील, जीवन भी सुशील। कई बार लोगों का नाम कुछ और होता है पर अर्थ कुछ और होता है। जैसे किसी का नाम होता, कई बार हमने माताओं का नाम देखा, कई माताओं का नाम होता है शांति बाई, लेकिन वो जहां जाएंगी क्रांति फैलाएंगी। नाम शांति बाई, काम क्रांति का, अरे हद हो गई भाई। एक आदमी का नाम हमने सुना, हमने कहा एक आदमी खड़ा था 7 फिट का, बड़ा मोटा ताजा तगड़ा, मोटी मोटी मूछ, कंधे पे बंदूक, पूछा नाम क्या है? बोला शेर सिंह। ओह, बाप का नाम शमशेर सिंह, कंधे पर क्या है? बंदूक। पर कांप क्यों रहे? कुत्ता भौंक रहा है, बताओ तो। नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कंधे पे बंदूक है पर कांप रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। अरे नाम बदलो, अपना नाम शेर सिंह मत रखो, बिल्ली रखो, ऐसे कांप रहे। कई लोगों के ऐसे नाम होते, नाम कुछ होता अर्थ कुछ और। अरे भाई राम जी, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होना चाहिए वैसा गुण भी होना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो सुशीला यथा नाम तथा गुण, दरिद्रा सीध माना सा, सुदामा जी को भागवत में गरीब नहीं कहा ना, सुशीला को दरिद्र कहा, सुदामा जी को नहीं कहा, सुशीला को दरिद्र कहा। अच्छा दरिद्र का मतलब, दरिद्र का मतलब हम लोग कई बार किसी के कमरे पर जाते हैं और उसके कमरे पर सामान यहां वहां बिखरा हो तो हम लोग कहते बड़े दरिद्री जैसे रहते हो। तो सुदामा जी गरीब नहीं है,
है कुछ नहीं घर पर गरीब नहीं है। बोले गरीब क्यों नहीं है? बोले जिसके गोविंद है वो गरीब कैसे हो सकता है? जिनके गोविंद हो वो गरीब कैसे हो सकता? पर सुशीला को दरिद्र कहा। क्यों? सुशीला की इच्छा है कि कुछ होना चाहिए। एक साड़ी में पूरा जीवन निकाल लिया सुशीला ने, आहा, पर कभी अपने पति से शिकायत नहीं की। एक साड़ी में जीवन गुजारा किया। चार संतानें हैं, रोज भोजन ना मिलने के कारण सुदामा जी की चारों संतानें सूख कर हड्डी हो गई। पिंजर बस बचा है, पूरा तन सूख गया, आंखें घुस गई, पर कभी सुदामा जी ने किसी से याचना नहीं की। ब्राह्मण का धर्म निभाया। ब्राह्मण का धर्म क्या है? सुदामा जी का नियम है, पांच घर पर भिक्षा मांगने जाते हैं। पांच घर से जो भी भिक्षा प्राप्त होती उससे परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर पांच घर में से दो में तीन में ना मिले ना, तो फिर अन्य जगह नहीं जाते, पांच ही घर जाते। कई बार तो ऐसा समय तक आ जाता है घर पर अन्न का दाना नहीं होता है, भूखे ही सो जाते। अच्छा, आप तो भूखे सोते हैं पर बच्चों को कैसे सुलाते होंगे, जरा विचार करना। छोटे छोटे चारों बच्चे सूख करके हड्डी हो गए, लकड़ी जैसे हो गए। बच्चों को बहाना बना बना करके सुदामा जी कई सालों से सुला रहे। जिस दिन घर पर अन्न का दाना नहीं रहता ना, पत्नी सुशीला कह देती, बच्चों आज एकादशी है, आज घर में कुछ नहीं बनेगा, कल मिलेगा। तुलसी का पत्ता खवा देते, जल को पिला देते। बेचारे बच्चे रोज कहने लगते, माँ कल भी तो एकादशी थी, आज भी एकादशी है। बेटा आज एकादशी का अंश रह गया, झूठ बोल देती। और झूठ बोलकर सुशीला कोने में आकर के फूट फूट करके रोने लगती कि हम कितनी अभागनी माँ है जो अपने बच्चों को भोजन तक नहीं करवा पाती। झरझर आंखों से आंसू बहाती, पर कभी पति से शिकायत नहीं करती। गोविंद की मूर्ति के सामने आकर रो लेती। एक साड़ी है सुदामा जी के पास, धोती एक है, उसी को पहन लेते, रात के समय उसी को ओढ़ कर सो जाते। और इतना प्रभु की याद में मस्त रहते कि रात को जब सोने लेटते हैं ना, तो आंखों से झरझर आंसू कृष्ण कृष्ण कहते कहते एक एक आंसू की बूंद टपकने लगती और वो पूरी धोती गीली हो जाती। इतना कृष्ण सुदामा जी के जीवन में। सुदामा गरीब नहीं है, क्योंकि सुदामा जी के पास गोविंद। दरिद्रा सीध माना सा बेप माना भिगम्य चा। सुशीला दरिद्र है, सुशीला दरिद्र है। और दरिद्र का अर्थ जो अस्त व्यस्त है, जिसकी कामनाएं अस्त व्यस्त। कभी तो विरक्ति की कामना है और कभी आसक्ति की कामना। बच्चों को देखती है तो आसक्ति जाग, और पति के भाव को देखती तो विरक्ति जाग। हम लोग किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं उसके सामान को बिखरा हुआ देकर, बड़े दरिद्री हो। पर दरिद्री का अर्थ गरीब नहीं होता, जो अस्त व्यस्त है। सुशीला कामनाओं से अस्त व्यस्त है। सुशीला के अंदर एक चाह है कि एक बार में थोड़ा धनवान बनू। सुदामा की चाह नहीं है। क्यों? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमान् विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी तो विरक्त, ब्राह्मण भी है, ब्रह्म वित्तमा भी है, ब्रह्म को जान चुके। और जो ब्रह्म को जान जाता है वो फिर आसक्ति की तरफ नहीं भागता। जो अनुराग को जान जाता वो फिर राग में नहीं फंसता, अनुराग में फंसता, वो फिर वैराग्य में जाता। हमारी चाह नहीं है तुम्हें राजा देखने की, हमारी चाह तो मित्रता बरकरार रहे। इतना त्यागी मित्र,
वरना हमारे जमाने में, इस जमाने में किसी मित्र का कोई विधायक बन जाए तो वो फोटो खिंचाने से नहीं चूकता, पर सुदामा को देखो, मित्र राजा बन गया, सो बन गया, भूल गए कि वो राजा भी है कि कोई है, मित्र है, इतना काफी है। ये सुदामा का चरित्र, ये सुदामा का त्याग है, इसलिए तो भागवताकार ने नाम लेना उचित नहीं समझा। पत्नी का लिया, सुदामा का नाम लेना उचित नहीं समझा के इतने बड़े त्यागी महापुरुष का नाम लेकर के अपने श्लोक की गरिमा को कम क्यों करें। नाम नहीं लिया, सिर्फ लक्षण बता करके कहा कि तुम में दम हो तो पहचानो। भागवत के दसम स्कंद के 80वें अध्याय का 6वां श्लोक कहता, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। ये लक्षण बताए। और सुदामा जैसा मित्र हम ललकार करके हर कथा में इसलिए कहते, मेरे प्रियजनों, सुदामा एक ऐसा मित्र है जो बिरला हुआ। सुदामा को लोग कहते कि सुदामा ने भगवान से छल किया, तुमने सुदामा को पढ़ा ही नहीं, ना तुमने सुदामा को जाना है, तुमने तो बस कहानी रट रखी, टीवियों में तुमने देख रखा कि सुदामा ने छुप करके चने खाए थे, इसलिए सुदामा को दंड मिला। अब तू ऐसा है, कभी सुदामा को पढ़ो, कभी सुदामा को जानो। जब भगवान कृष्ण और सुदामा सांदीपनी आश्रम में पढ़ते थे ना, तब एक घटना घटी, और शायद इससे तुम्हें सुदामा की महिमा पता लगी। एक घटना यह घटी कि एक सांदीपनी आश्रम के पास में एक बूढ़ी माता जी रहती थी, उज्जैन में सांदीपनी आश्रम के पास। वो बूढ़ी माता जी का काम था कि अनाज जब कट जाता है तो कुछ अनाज के दाने खेत में गिर जाते। वो इतनी गरीब थी कि उन दानों को बीन करके रखती, उससे भोजन करती थी। और उसने उन दानों को, कुछ चने के दानों को बीन करके रखा और पोटली बना करके झोपड़ी में रखा। लेकिन एक दिन एक चोर, जिसकी मति मारी गई थी, अब उस गरीब अपाहिज बूढ़ी वृद्ध माता के झोपड़ी में चोरी करने के उद्देश्य से गया। उसे कुछ तो मिला नहीं, एक पोटली बंधी दिखाई पड़ी, उसमें ही हीरा मोती जवाहरात अंदर छिपे होने के संदेह से उसने वो पोटली उठा ली। अब वो पोटली लेकर के भागा, बदकिस्मती से उसका पैर एक पत्थर में अटक गया और सांदीपनी आश्रम में चोट लगने के कारण आश्रम के बाहर उसकी पोटली छूट गई और चने बिखर गए। चने बिखर गए तो वो भागा कि कोई मुझे पकड़ ना ले, और उस आश्रम की गुरु माता ने उन चने को बिखरा हुआ देखकर बीन लिया और रख लिया। और घटना वही है कि एक दिन बरसात होती, गुरु माता कहती हैं कि वन में लकड़ी लेने जाओ, लेकिन जिस वृद्ध माता के चने चोरी हो गए थे उसने श्राप दिया था कि जिसने भी मेरे चने चोरी लिए हों, मैं श्राप देती हूं जो जो उन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, और जितने दाने खाएगा उतने वर्ष तक वो भोगेगा, ये श्राप है मेरा। और वो चोर तो चला गया, गुरु माता ने चने बीन लिए, उन्हें पता नहीं था किसके चने क्या चने, उन्होंने रख लिए। एक दिन बरसात होती है, मित्र सुदामा कृष्ण के साथ में जाने लगते, भगवान कृष्ण थोड़ा आगे चले जाते, सुदामा थोड़ा पीछे रह जाते। गुरु माता वो चने देती, बेटा ये चने लो, तुम दोनों आधा आधा खा लेना। सुदामा ने चने लिए और चनों को देखा, पहचान गए कि ये चने श्रापित हैं और त्रिकालज्ञ हैं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, इन्होंने त्रिकालज्ञ संध्या की कर रखी है। इन्होंने देखा कि जो भी ये चने जितने दाने खाएगा उतने दिन तक उसको गरीब रहना पड़ेगा। सुदामा ने सोचा, गुरु माँ ने कहा आधा आधा खा लो, मतलब आधी जिंदगी मेरी, आधी जिंदगी मेरे मित्र की गरीबी में चली जाएगी, फिर मेरे होने का क्या मतलब है। सुदामा ने कहा, मैं झूठ मूठ करूंगा, मैं खुद पूरा खाऊंगा, पर मैं अपने मित्र को राजा बनाऊंगा। ऐसा मित्र सुदामा है, इसलिए सुदामा जैसा मित्र ना हुआ है ना हो सकता, ऐसे सुदामा है।
कथा वही है कि एक दिन सुशीला के घर पर एक महात्मा आए। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पति की मित्रता द्वारकाधीश से है, आप अपने पति को वहां भेजो। भगवान ने लीला की। सुशीला ने कहा कि हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा ने कहा कि सुना तो ठीक है, पर तुम्हें किसने बताया? किसी महात्मा ने। देखो, महात्मा ही परमात्मा का परिचय दे सकते हैं, महात्मा ने बताया। प्रसन्न हुए। सुदामा जी बोले, पर मित्र के पास जाएं तो कुछ होना चाहिए। सुशीला तीन घर से तीन मुट्ठी तंदुल चावल मांग करके लाई, अपने साड़ी के पल्लू में बांध दिया, इन्हें ले जाओ, जाकर के आप मित्र को दे देना। और सुनो, उनसे हमारी एक सीताराम कह देना। क्या? एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन। भगवान कृष्ण से जाकर अपने मित्र से कहना, एक महीने में दो एकादशी होती हैं, लेकिन कहना आपने तो हमें रोज एकादशी दे रखी है, ऐसा कह देना। सुदामा जी चले। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदा, तुम भी चलो द्वारका। भावपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं सुदामा जी। मग में एक जगह बड़े श्रमित हो गए, वो लेट गए, जलपान किया, लेट गए। भगवान ठाकुर जी ने कृपा की, और ठाकुर जी ने कृपा की तो निद्रा खुली द्वारका के बाग में। किसी से पूछा, भाई ये कौन सी नगरी है? किसी ने कहा, अरे आपको पता नहीं है, ये द्वारकापुरी है। ओहो, हम इतनी जल्दी आ गए? मन में ऐसा सुदामा जी विचार करने लगे। तो मन में विचार करते हुए सुदामा जी उस सज्जन से पूछते हैं, भैया यहाँ हमारा कन्हैया रहता है, जरा पता बता दोगे क्या? हमें कन्हैया के भवन जाना, घर जाना। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, यहाँ कन्हैया नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता, कोई कन्हैया नहीं है। सुदामा जी ने कहा, कैसी बात करते हो, यहाँ के वो राजा है। ओ, आप हमारे सरकार के बारे में बात कर, ऐसे नाम नहीं लेते, जरा ठीक से नाम लो। क्या नाम ले? अरे उनका नाम कन्हैया वनैया नहीं है, उनका नाम तो है, बड़े सम्मान तरीके से नाम लेना चाहिए, अनंत श्री समलंकृत राजमूर्ति छत्रपति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र विप्र प्रतिपालक विश्वबंध श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी सरकार। सुदामा जी बोले, बताओ तो, इतना लंबो नाम रख लो।
हम तो कन्हैया तो छोड़ो कनुआ में ही काम चला लेते थे। राजा बनने के बाद बड़ो बड़ो नाम रख गो। सुदामा जी बोले भैया जो तुमने कही सो वो हमने दोहरा लो मान लो और पीछे से कन्हैया जोड़ दो। अब बताओ वो कहाँ रहते हैं। ना 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 कहना पड़ेगा। तब फिर सुदामा जी को मजबूरी बस कहना पड़ा। बोले महाराज बताओ अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति सर्वेश्वर तंत्र प्रतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्वबंध श्री श्री महाराजादि राज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र कन्हैया जी कहाँ रहते। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा जितने भवन है सब उनके ही है। ये कोई पता है? ये भी कोई पता है क्या है? जिसका हर घर पता हो ये भी कोई पता है? हर घर पर ये भी ठीक ठाक पता बताओ। तब किसी ने सलाह दी आप राज दरबार में जाओ वहां आपको मिलेंगे। दरवाजे पर आए सुदामा जी दरवाजे पर आए तो सबको पता ही है द्वारपालों ने रोक लिया। क्या बात है कहाँ जा रहे? महाराज हमारे मित्र रहते हैं तो हम अपने मित्र से मिलने के लिए चले आए हैं। कौन मित्र? अरे ये जो तुम्हारे राजा हैं नाम तो पता कर ही लिया था बड़ा वाला, तो बड़ा वाला नाम बता दिया। अच्छा अच्छा आपके मित्र हैं? लेकिन नीचे से ऊपर तक देखा धोती फटी सी लटी दुपटी अरे उपायों के नहीं बाबा धोती फटी है ये इनके मित्र हैं। विचार करने लगे फिर भी विचार किया कि भगवान की लीला का क्या कहना। तो द्वारपाल अंदर आए उस वक्त भगवान अपना श्रृंगार करवा रहे थे। कोई रानी बाल सहला बना रही, कोई रानी बाजूबंद पहना रही, कोई पीतांबर पहना रही, कोई मोटो मोटो आंखन में काजल लगा रही। उसी समय द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया सरकार की जय हो। क्या बात है क्या संदेश है? द्वारपाल ने कहा सरकार हम आपको खबर देने आए आपका कोई मित्र है पर लगते तो नहीं है वो मित्र है, बड़ा विचित्र वेशभूषा है लेकिन आपका मित्र बता रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं। ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी सरकार ने पूछा क्या नाम बताया? नाम पूरा नहीं ले पाए द्वारपाल। जहां सू कहा तो भगवान खड़े हो गए और जब तक वो दामा कहता सुनते ही दौड़े चले आए मोहन नया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। दोनों हाथ उठा करके भगवान को अंदर लाए सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा को अंदर लाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से
चरण आसुओं से श्याम ने गुला, चरण आसुओं से श्याम ने गुला, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आसुओं से श्याम ने गुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, समाते करीब आ गया है, खुशी का समाते करीब आ गया है, खुशी का समाते करीब आ गया है, खुशी का समाते करीब आ गया है। चर्चा पता ही है, ज्यादा विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसो बेहाल बेबायन सो पग कंटक जाने लगे पूनी जोरे, आए महा दुख पायो सका तुम आए इतना कते दिन होए, देखे सुदामा की दीन दशा हो, 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 देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बैठ जाओ पांच मिनट और। सुदामा जी को भगवान ने विराजमान करवाया, चरण पखारने के लिए जल मंगवाया। एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे कि भगवान ने सभी रानियों से कहा कि तुम जल लाओ स्नान के लिए, चरण पकड़ने के लिए। 16108 रानियां एक एक कलश ले आईं, सब रख दिया। सुदामा जी देख के बोले ये क्या है? भगवान ने बोले नहाने की व्यवस्था है। सोई सुदामा जी बोले तब तो फिर स्नान करते ही करते काम हो जाएगा, बाकी जरूरत ही नहीं, कपड़ों की व्यवस्था मत रखना, स्नान में ही काम हो जाएगा। बोलो सीताराम। भगवान ने नैनों के जलों से आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया, बड़े प्रेम पूर्वक सुदामा जी को बिठाया, स्नान करवाए, नए वस्त्र दिए, भोजन करवाया। और आज 56 भोग जब मिला तो सुदामा जी मन ही मन भूख को गाली दे रहे हैं, अरे भूख बड़ी बाबरी है, कल तक व्यवस्था नहीं थी तो खूब हैरान करती थी, आज 56 भोग है तो लग नहीं रही, खाने का मन नहीं है। अक्सर ऐसा होता है जब बहुत भूख लगी हो तब कई बार समय पर नहीं मिलता, और जब बहुत भूख ना लगी हो तब कई बार अपने मन पसंद का भोजन होता है। सुदामा जी मन ही मन गाली देते भूख को, और अंत तो गत्वा अंतापुर में ठाकुर जी सुदामा को ले गए, जहां भगवान स्वयं निवास करते थे, वहां पर लिटा करके अपने चरणों, ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को दबाना प्रारंभ किया अपने हाथों से, और भगवान चरण दबाने लगे। धीरे से पूछा भगवान ने कि तुम तो बचपन से ही बड़े बैरागी त्यागी टाइप के रहते थे, शादी वादी भाई? सुदामा जी ने सिर हिलाया कि हाँ हुई है। ओ, अब सुदामा जी ने पूछा तुम बचपन से ही बड़े नटखट थे, तुम्हारी हुई? ठाकुर जी बोले अब हुई के नहीं, ये बाद में विषय है, मिल ही लो, आशीर्वाद दे दो,
रुक्मणी जी को सब रानियों को कहा सब आ जाओ। पहले रुक्मणी जी आई, उन्होंने प्रणाम किया, सुदामा जी ने बढ़िया आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भवा, सत्यायु भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। जाम्बवती जी आई, उनको भी आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। उंगली इशारा करके बोले दो दो। ठाकुर जी बोले अभी तो टेलर शुरू हुआ है, नंबरिंग है, पिक्चर बहुत लंबी है। सुदामा जी समझ नहीं पाए। इसके बाद में मित्र बिंद आया, उन्होंने प्रणाम किया, सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। कालिंदी आई, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, धनवती भवा। इसके बाद में भद्रा मैया आई, उनको भी सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। आठों पटरानियां आई, आठों पटरानियों को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। उंगली का इशारा करके बोले आठ आठ। भगवान बोले अभी तो और भी। सुदामा जी बोले ये तुम्हारी ही है कि आस पड़ोस की भी है? भगवान बोले नहीं नहीं ये सब अपना ही है, मैटर एकदम पर्सनल वाला है, हमारी ही है। सुदामा जी ने सोचा कितनी होंगी, सौ दो सौ, राजा हैं इतनी तो होती हैं, राजाओं का काम है, इतनी तो होती हैं, चलेगा, आने दो। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सौ दो सौ को आशीर्वाद दिया, हाँपी चढ़ गई, लंबी लाइन घूंघट की लगती जा रही। सुदामा जी बोले भैया हमें तो आज लग रहा है कि आशीर्वाद देते ही देते ये किसकी है? भगवान बोले अपनी है। सुदामा जी बोले भैया शादी जिंदगी भर करते रहे क्या, कि कुछ और काम किया? भगवान बोले इसमें ना पढ़ो, पहले आशीर्वाद दो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, कुछ को दे दिया कुछ को नहीं दिया, महाराज हमारे गले में फांसी लग जाए, आशीर्वाद। सुदामा जी ने सोचा कितनी होंगी, 400-500। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धन। अब सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती गावे गायब, भवा 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 भवा। डेढ़ दो हजार तो फ्री हो ही पाए। सुदामा जी हाँपी फूल गई। सुदामा जी बोले अबे और बची हैं? भगवान बोले अबे तो एक हिस्सा नहीं पहुंचा। सुदामा जी बोले जय हो जय हो। बोले भैया अब चाहे वह लड़ाई विदे चाहे जो हो, हम सो आशीर्वाद देने लायक नहीं बचे। भगवान बोले आप तो अपने आपत करोगे। सुदामा जी बोले आपत नहीं, ब्राह्मण है, उपाय है हमारे पास। बोले क्या? बोले तुम सबके पति हो, हम तुम्हें सबके लिए आशीर्वाद दे दें, तुम बांटते रहना, तुम में इतना दम है, तुम बांटते रहना, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद। भगवान तो बहुत सीधे सरल है, गो ब्राह्मणों के विप्रों के प्रतिपालक है। भगवान ने साष्टांग दंडवत लेट करके किया सुदामा जी को, साष्टांग दंडवत। अच्छा साष्टांग क्या है? आठों अंग भूमि पर गिरा देना, साष्टांग, एकदम लकड़ी की तरह गिर जाए। अच्छा कुछ लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करते, हाथ जोड़ के खड़े ही खड़े कहते गुरुजी दंडोत दंडोत दंडोत। ये दंडोत, ये दंडवत करते हैं जो हाथ जोड़ करके, ये दंडवत हैं, इन्हें तो दंडा दो जाए। अरे दंडवत का मतलब लेट जाना है एकदम। अच्छा दंडवत क्यों करते हैं, क्या जरूरत है दंडवत प्रणाम करने की? दंडवत प्रणाम करने का मतलब है अपने सर्वस्व अभिमान को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना, अपने ज्ञान अभिमान को, अपने रूप अभिमान को, धन अभिमान को, पद अभिमान को, ध्यान अभिमान को भी अपने सदगुरुदेव के चरण। तिब्बत में एक परंपरा है, तिब्बत में एक बौद्धों में परंपरा है कि गुरु की ओर मुख करके जिस तरफ गुरु रहता है 1000 बार दंडवत प्रणाम प्रतिदिन शिष्य को करना पड़ता है। 1000 बार लेट के उठो बैठो लेटो, गुरु देखे ना देखे इससे मतलब तुम दंडवत प्रणाम करो। बहुत से लोग तब प्रणाम करते हैं जब गुरुजी देखें कि हमने प्रणाम किया है। गुरु देखे या ना देखे, गुरु वाहन पर है, गुरु भवन पर है, गुरु मंदिर पर है, तुम्हें तो गुरु की सन्निधि या गुरु का आभास हो, दंडवत प्रणाम कर लेना चाहिए। गुरु की ऊर्जा तो तुम्हें मिलेगी ना, गुरु ना भी मिले पर गुरु, बुरा मत मानना। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि हमें आपके नजदीक बैठना है, हमें बात करनी है। गुरु के पास बैठने से कल्याण नहीं होता, गुरु की तो दृष्टि से कल्याण हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दृष्टि तुम पे पड़े ना,
हम आपको गुरु की महिमा, गुरु की तो दृष्टि शिष्य पर पड़ी, शिष्य का कल्याण, वरना वो गुरु नहीं अब वो शिष्य नहीं। कि गुरु की दृष्टि पड़े और शिष्य का कल्याण ना हो, ना तो वो गुरु है ना वो चेला, दोनों में से एक ना एक झमेला है। गुरु की तो दृष्टि से कल्याण, गुरु की तो नजर पड़ी और शिष्य का कल्याण, गुरु की तो दृष्टि काफी होती है। इसलिए भगवान बहुत ही सहज हैं। भगवान सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद में धीरे से मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा भाभी जी ने कुछ दिया नहीं। वैभव को देखकर, रानियों को देखकर सोचा हमारे मित्र की छवि खराब ना हो, सुदामा जी ने आज झूठ बोला, कुछ नहीं दिया। मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। पोटली को बगल में दबाए हुए थे, पकड़ लिया, चावल खोले। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुर, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुर, प्रेम के भाव से खाने लगे। हाँ, प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुर, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुर के दानों में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दिन का देखो दरिद्र चबाने लगे। ओ एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, हो एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भुवन थर्राने लगे। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भुवन थर्राने लगे। बड़े भाव से भगवान एक एक मुट्ठी चावल पाने लगे, और एक एक मुट्ठी चावल पाने लगे तो सुदामा के भाग में एक एक मुट्ठी में एक एक लोक उनके रजिस्ट्री होने लगा। और वर्णन आया, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। हाँ, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो ओ, 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 तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोके लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया। पहली मुट्ठी में स्वर्ग सुदामा को दे दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का राजपाट सुदामा को दे दिया, तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि आप अपना निवास भी दे रहे, कल के दिन सुदामा जी कह देंगे उठाओ डेरा, कहाँ जाओ, कम से कम हाउस तो अपना होना चाहिए, मकान तो अपना होना चाहिए, बड़े दानी हो आप, ये आपकी स्वभाव है। सुदामा जी पर कृपा की, सुदामा जी समझ नहीं पाए ये मित्रता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के आधे भाग को सुदामा ने खाकर छुपकर भगवान कृष्ण को समझने नहीं दिया ताकि भगवान कृष्ण को गरीबी ना देखना पड़े, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी आज उधारी को चुका दिया, सुदामा को समझने नहीं दिया और दो लोगों का लाचा बना दिया। ये मित्रता है। हम लोग मित्र को भी गिफ्ट देते हैं तो दिखा कर देते हैं, दिखा कर दुनिया देखे। हम लोग गुरु को भी दक्षिणा देते हैं दिखा कर, हम लोग दान भी करते दिखा कर कर। हमसे कोई कहे तो हम कथा क्षमा करो कन्या विवाह आयोजन करते दिखा कर, इसलिए करते कि हम दिखाएंगे तभी दुनिया देख करके करेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज दिखा कर करते, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिखा करके नहीं की जाती। गुरु को दान, दूसरे की मदद दिखा करके नहीं, बिना बताए। कई बार एक बार एक अखबार में फोटो छपी थी, चार आदमी एक केला हॉस्पिटल में एक मरीज को बांट रहे, एक केला पकड़े चार जने,
मरीज भी पकड़े, फोटो खिंच रही और न्यूज में लिखा था, पेपर में हमने पढ़ा, आज अमुक अमुक समिति के अध्यक्ष ने मरीजों को फल वितरित किए, एक केला उसको भी पोलियो, काला सड़ गया हो मानो। हमने जब न्यूज पढ़ी तो हमने बैठे बैठे कहा कि इससे अच्छा तो मरीज को हार्ट अटैक में ही मर जाना चाहिए, ये दिन देखने को रखे थे हैं? हम लोग हर चीज प्रदर्शन का विश्व भगवान ने कृपा की, भगवान बहुत दिन तक सुदामा जी रहे। एक दिन भगवान ने ही सुदामा जी को कहा कि घर की याद नहीं आ रही है, सुदामा जी आ तो रही है, जाना है, जाओ जाओ। सुदामा जी को लगा कुछ देंगे, पर भगवान तो भगवान है, उन्होंने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी सोच रहे, पत्नी तो कह रही थी कि कुछ लाना, तुम्हारे मित्र हैं कुछ मिलेगा, ये तो कुछ दे ही नहीं रहे। तो सुदामा जी ने कहा, अच्छा तो भैया अब हम चलते हैं। हाँ, भगवान बोले, हाँ अच्छे से रहना, आते रहना, चले। भगवान ने कुछ नहीं दिया। अब सुदामा जी बड़ी टेंशन, तो थोड़ा दूर तक गए, शायद ध्यान नहीं होगा। अच्छा भैया तो अपना ध्यान रखना और ये सब वैभव का ध्यान रखना, हम जा रहे हैं, चलते हैं, फिर आएंगे। भगवान, हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, आप जाओ जाओ जाओ। सुदामा जी बोले, बड़ा कंजूस है, कुछ तो दे दी थी, बड़ी विचित्र है। और दरवाजे तक सुदामा जी पहुंचे, भगवान ने कहा, ओ सुदामा। सुदामा जी को लगा याद आ गई, क्या बात है। सुदामा, ये जो कपड़े पहन रखे ना, बड़े प्यारे हैं, राजाओं के हैं, रस्ते में डकैत मिलेंगे, लूट लेंगे। सुदामा जी बोले, क्या विचार है, नंगे पुंगे जाएं? ना ना ना, हमने आपकी वो जो धोती थी ना साफ करवा दी, बड़ी प्यारी क्लीन हो गई है, चमक रही है, उसमें ये पक्का है कि तुम लुटोगे नहीं। सुदामा जी बोले, ले ओ, पहने पहनाए भी उतरवा रहे हैं, वो भी उतार दिए। अब चले सुदामा जी अपनी धोती पहनकर, थोड़ी दूर चले तो सुदामा जी ने कहा कि क्या करें। वो तब तक पत्नी का दोहा याद आ गया, सुशीला का, महाराज एक बात तुम्हारी भाभी ने कही थी, वो तो बताने ही भूल गए। हाँ हाँ बोलो। आपकी भाभी ने संदेशा भेजा, क्या? एक मास तुई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोर। तब तक सुदामा जी की बात सुनकर भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, सुदामा हमारी भाभी जी से कहना, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, ओ भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, जाओ तुम्हारे घर हर दिन द्वादशी होगी, हर दिन। और मेरे प्रियजनों, आज की कथा में हम सुदामा चरित्र में भावुक थे, पर अब ये कहते हैं जैसे सुदामा की एकादशी चली गई, इस कथा को सुनने वाले लोगों की भी एकादशी चली जाए, नित्य द्वादशी आ जाए। हम एक बार कुंभ में थे तो एक महात्मा ने कहा कि आज एकादशी है, व्रत नहीं रहते। हमने उनको कहा, क्षमा करना, हमने बचपन में बहुत रह लिया, अब हम द्वादशी में। इसका मतलब ये नहीं, वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए, वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हम तो ऑलरेडी कर लेते हैं, दिन में फलाहार, शाम को भोजन, व्रत ही है, अब व्रत की अलग से क्या जरूरत। बस ये है कि अगर हम सोच लें कि आज हमें व्रत रहना, उस दिन फिर चाट याद आती, बहुत याद, चाट की बहुत याद। आज अगर हम व्रत हैं, एक दिन आता है हमारे जीवन में जिस दिन सन्यासी बाबा की पूजा होती, उस दिन भूखा रहना पड़ता क्योंकि खुद भोजन बनाना पड़ता है, तो पूरा परिवार भी उस दिन आता है, पूरा परिवार सब लोग, सत्यनारायण की कथा भी होती तो कुल पूजा जैसे कहते हैं, उस दिन भूखा रहना पड़ता। कैसे दिन निकलता, हनुमान जी बचाए, ऐसे तो कभी ना खाएं सो चल जाता है, एक टाइम फल खाते हैं, शाम को भोजन करते। तो होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। सुदामा जी ने कहा, ठीक है महाराज जो आज्ञा, आए वापस। सुदामापुरी आए, सुदामापुरी को सुदामा जी ने देखा मानो द्वारका हो। सुदामा जी को लगा कि हम लौट घूम फिर करके फिर से द्वारका तो नहीं आ गए। किसी से पूछा कौन सी नगरी, किसी ने कहा सुदामापुरी। ओ
सुदामा जी ने कहा कि अगर नगरी सुदामापुरी है तो लगता है किसी सेठ साहूकार ने हमारे जाने के बाद में इस जमीन का डेवलपमेंट करा दिया, डेवलपमेंट। पर दिक्कत यह है कि हमारी झोपड़ी कहाँ है, होगी कहीं गांव के बाहर, देखते जाने लगे। इतने में एक बड़ी सुंदरी खोड़स सिंगार किए, नख सिख तक सिंगार किए, थार आरती का लिए आवाज सुन करके वो चली आ रही है। सुदामा जी को लगा कि इस नगर की कोई सेठानी है, बड़ा भारी गहना वहना पहने, सेठानी हल्का घूंघट है। सुदामा जी थोड़ा रास्ते में से दूर हो गए कि भाई निकल जा तू, तो वो सामने ही आने लगी। सुदामा जी को लगा कि पीछे तो दीवाल है, यहां कहां रास्ता, थोड़ा और अलग खड़े हो गए। तो वो उस तरफ आने लगी तो सुदामा जी और थोड़ा तिरछा हुए। अब सुदामा जी बोले भागने का मतलब नहीं, पूछ ही ले कि कौन है जो पीछे पड़ी है। सुदामा जी ने पूछा कौन, अंदर से आवाज आई स्वामी जी। सुदामा जी बोले आवाज तो सुशीला की है पर फैशन डिजाइन नहीं है उसका, आवाज सुशीला की है, वॉइस सुशीला की है, लेकिन जो वीडियोग्राफी है वो किसी और की, ये सुशीला नहीं है। तो सुदामा ने कहा सुशीला जी स्वामी जी। सुदामा जी बोले ले है गई, ये भारी भयंकर भेष बनाए, ये विचित्र भेष बनाए, ये सिंगार आभूषण कहां, ये क्या मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जाने के बाद में। सुशीला जी बोले ना ना महाराज, ये जहां गए थे उनकी कृपा है। किसकी कृपा? बोले जब आप गए जो भी दो तीन दिन बाद हुआ हो, बनाने वाले कारीगर आए और उन्होंने कहा कि द्वारकाधीश की आज्ञा लगी है कि आप रानी हो, क्योंकि पृथ्वी लोक का वैभव आपके पति देव को प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं सिंगार करके आपका स्वागत करने आई हूं कि बधाई हो आप राजा पृथ्वी लोक के बन गए हो, भगवान ने आपको राज दिया। सुशीला की बात सुनकर के तब याद आई हो, सुदामा जी की आंखों में फिर आंसू बहने लगे, भरी उनकी आंखों है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, भिखारी नहीं दुखारी कहो, भिखारी मत कहो, सुदामा जी भिखारी नहीं है। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन कैसे बनाते।
नर की गौतम जी नारी से पूछो जा कर के गौतम जी नारी से पूछो नहीं उनकी आँखों में है कितनी करुणा सुदामा दुपार